हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। सर्किट डिजाइन एंड पीसीबी डिजाइन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रोटियस की मदद से किसी भी डिजाइन को अगर आप डिजाइन करते हो तो उसका गर्बर फाइल किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से IR सेंसर का पीसीबी डिजाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे इसका स्कीमेटिक है और यहाँ पे हमने इस तरह से इसका पीसीबी डिजाइन किया था। अगर आप इसे 3D में देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका पीसीबी डिजाइन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये इसका 3D मॉडल है जिसको हमने पिछले वीडियो में डिजाइन किया था। ओके, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से IR सेंसर का पीसीबी डिजाइन 2 लेयर में हम प्रोटियस की मदद से कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस ये जो हमारा पीसीबी डिजाइन है, इसका अगर हमें गर्बर फाइल निकालना है तो हम किस तरह से प्रोटियस की मदद से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना पीसीबी ओपन कर लेना है। पीसीबी ओपन करके आपको चले जाना है आउटपुट में। आउटपुट में आपको यहाँ पे जनरेट गर्बर फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे इस तरह की एक विंडो देखने को मिलेगी। ओके, इसमें आपको यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो फाइल का नाम लिख देना है। फोल्डर में जहाँ पे आपको इसे सेट करना है वहां पे आप इसे सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ। IR सेंसर का जो मेरा फोल्डर है इसमें मैं यहाँ पे एक और फोल्डर जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं IR गर्बर इस तरह से इसे रीनेम कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे IR गर्बर के फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसे एज इट इज रखेंगे। ओके, और यहाँ पे आपको अगर zip फाइल में यहाँ पे आउटपुट चाहिए तो आप यहाँ पे zip फाइल में भी आउटपुट ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आउटपुट, यहाँ पे अगर फोल्डर ओपन करना है तो इसे टिक मार्क कर सकते हो। बाकी जो भी यहाँ पे है इसे एज इट इज रख के ओके बटन पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो गर्बर फाइल है वो ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो गर्बर फाइल था उसका zip फाइल बन गया है। अगर आप इसे ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे इसकी गर्बर फाइल मिल जाएगी। ओके, और अभी आपको इसे किसी पीसीबी मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेंड करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट पे जाके यहाँ पे मैंने एक जेएलसी पीसीबी नाम की एक वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पे जाके अगर आप इसको अपलोड करते हो तो आपको यहाँ पे इसकी zip फाइल ऐड करनी होगी। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसे zip के फॉर्म में यहाँ पे सेव किया था। ओके, तो आप यहाँ पे जब इसकी zip फाइल ओपन करते हो तो जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है उसमें आपको दिखाई देगा कि आपकी जो पीसीबी डिजाइन है वो किस तरह से देखने को मिलेगी। ओके, तो हमने जो डिजाइन की थी वो कुछ इस तरह से पीसीबी डिजाइन दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जेएलसी पीसीबी की वेबसाइट पे देखोगे तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, तो इस तरह से आप इसकी गर्बर फाइल बना सकते हो। और जेएलसी पीसीबी जैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरर होते हैं पीसीबी के, उसे आप यहाँ पे ये जो फाइल होती है ये zip फाइल अगर देते हो तो ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो आपकी पीसीबी को प्रिंट करके आपको यहाँ पे जो आपके एड्रेस होता है उस एड्रेस पे सेंड कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप प्रोटियस की मदद से इसकी गर्बर फाइल निकाल के मैन्युफैक्चरर को सेंड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो में जो भी हमने देखा है कि गर्बर फाइल किस तरह से बनाते हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।